सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो टुडे इज नेक्स्ट डे। आज हमारे साथ सुबह सुबह बहुत ही अच्छा प्रैंक हुआ है, सरप्राइज दिया गया है। सुबह 8 बजे तक हम सोए थे कि हमें पता हमारी आफ्टरनून शिफ्ट थी, बट क्या करें, नौकरी तो नौकरी है। 8 बजे फ़ोन आ गया कि भाई उठो, 8:30 बजे बस पकड़ो और 9 बजे ड्यूटी पहुँचो। तो जस्ट 20 मिनट में जॉब ने ये सिखा दिया कि 20 मिनट में तैयार कैसे होते हैं और 20 मिनट में तैयार होकर बस कैसे पकड़ी जाती है। वो मुझे बस पकड़ के पता चलेगा, अगर मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय, कोई प्राइवेट बस लेके वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। और चलते हैं, बहुत ही बुरा सरप्राइज है। You always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. So I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, so, man. I'll guys, so, I'll go ahead, कंडीशन हुई कि सुबह हमें जो है एकदम से जो है ऑफिस से मुझे अचानक फ़ोन आ गया और मुझे जो है एक्सीडेंटली जो ऑफिस में बुला लिया गया। तो इस इवेंट पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं कि अगर उनके साथ जो है ऐसा इवेंट होता है तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, इस पर ऑफिस को गालियाँ देते हैं, कंपनी को गालियाँ देते हैं कि मेरे को ऐसे क्यों बुला लिया गया, मतलब मुझे जो है एक्सीडेंटली ऐसे बुला लिया गया था। तो इस मोमेंट पे, इस इवेंट पे बहुत सारे लोग जो है बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, कंपनी बेकार है, क्लीग्स बेकार है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस इवेंट को, जो सेम इवेंट जो आज मेरे साथ हुआ, तो मैंने इसको जो है कैसे डील किया था। तो मैं अपने ऑफिस में गया अपने सर के पास जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। तो मैंने सबसे पहले उनको जो है सबसे पहले उनको बहुत ही ज़्यादा थैंक्स बोला सर। होता सर, मैंने उनको बोला कि सर जब मैं स्कूल में जाता था तो मुझे 1 से जो है 1.5 घंटा लग जाता तैयार होने में, कॉलेज में जब मैं जाता था मुझे रेडी होने के लिए 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता था। और घर वाले मेरे इस हरकत से बहुत ज़्यादा परेशान होते थे कि इतना टाइम क्यों लगाता है तैयार होने में। तो लेकिन मैंने आज ऑफिस में जाकर उन सर को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोला कि सर आपने मुझे जो है 20 मिनट में कैसे तैयार हो जाता है ये आपने सिखा दिया। तो सर ने मुझे फ़ोन पे एक ही बात बोली थी, मैंने बोला सर अभी तो 8 बज गए हैं और 8:25 पे तो मेरी बस है, तो इतनी जल्दी कैसे पहुंच पाऊंगा। तो सर ने मुझे एक लाइन बोली थी कि तुम कोशिश तो करो आने की। और वही बात हुई कि 20 मिनट में मैंने कोशिश करी और 20 मिनट में तैयार होकर मैं जो ऑफिस पहुँच गया। तो बहुत ही ज़्यादा थैंक्स किया मैंने वहाँ पर जाकर सर का कि सर आपने मुझे जो है 20 मिनट में तैयार होकर जो ऑफिस में कैसे पहुँचा जाता है ये आपने मुझे सिखा दिया। अगर मेरे साथ कभी ऐसा इवेंट नहीं होता तो मैं ऐसी चीज़ कभी नहीं सीख पाता कि 20 मिनट में कैसे तैयार होकर आप अपनी जो ऑफिस में पहुंचते हो। तो इस मोमेंट पे मैंने उनका बहुत ज़्यादा थैंक यू किया। तो देखिए, इस इवेंट को जो है कितने अच्छे से मैंने हैंडल कर लिया। तो मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि ऐसा कोई इवेंट आपके साथ हो तो आपको उसे अच्छे से हैंडल करें, क्योंकि इवेंट तो आपके हाथों में नहीं होता लेकिन उसका रिस्पॉन्स जो होता है वो आपके हाथ में होता है। सो अभी हम बिल्कुल ठीक ठाक घर पे पहुंच चुके हैं, अपना जो डिनर हम कर चुके हैं, देन अब यूट्यूब शॉर्ट्स को मैं शूट करूंगा, उसको अपलोड करके आपको डाल दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो का मैसेज होगा अच्छा लगा होगा। सो हेलो गाइस, तो राइट नाउ अब हम जो अपस्टेयर्स पे आ चुके हैं और हमने अपना PC यहाँ पे ऑन कर लिया और हम अपना यूट्यूब शॉर्ट्स को अभी यहाँ पे शूट करेंगे, अपलोड करके डाल देंगे आपके लिए।
और उसके साथ आज की वीडियो को हम अपलोड करके डाल देंगे। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। एंड गाइस, वीडियो के लास्ट में आपका जो है रिव्यू जाना चाहूँगा, जो हमने आज स्टॉक मार्केट से रिलेटेड येस बैंक की जो है रील्स अपलोड करी है इंस्टाग्राम पे, और जो हमने वीडियो में शेयर किया है येस बैंक के एनालिसिस के बारे में। तो आपको क्या लगता है इसमें जो अभी जो है बुल रन स्टार्ट हो रहा है येस बैंक में, तो ये पंपिंग एंड डंपिंग की स्ट्रेटजी होगी? जहाँ पंपिंग एंड डंपिंग का कंसेप्ट मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, पंपिंग एंड डंपिंग की स्ट्रेटजी होगी जो इसमें जो है रियलमी इसमें जो इन्वेस्टर जो है अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और जो है ये स्टॉक जो है इन फ्यूचर जो ग्रोथ कर सकता है। तो आप भी अपना रिव्यूज जो है, अपने जो सजेशन है, फीडबैक है, जो कमेंट में जो है ज़रूर शेयर करें। सो बाय।